केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की आई सुनामी, तो वही विराट कोहली और रोहित शर्मा ने गेंदबाजी से मचाया तांडव, जिससे नीदरलैंड को ही शर्मनाखार। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी है। विश्व कप 2023 में अब तक खेले गए 9 मैच में टीम इंडिया ने सभी में बाजी मारते हुए अंक तालिका में अपनी बादशाहत बनाते हुए 12 नवम्बर को भी टीम इंडिया ने लीग स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ खेला, जिसमें भारतीय टीम ने बड़े रनों के अंतर से मैच अपने नाम किया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 410 रन स्कोर बोर्ड पर खड़ा किया था। टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर ने बनाए, उन्होंने 128 रनों की पारी खेली। इसके अलावा उप कप्तान केएल राहुल ने भी 102 रनों का योगदान दिया, जिसकी वजह से टीम बड़े स्कोर तक पहुंच सकी। वही 411 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जो है नीदरलैंड की टीम बुरी तरीके से बिखर गई। टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। सलामी बल्लेबाज जो है वेस्ले बर्सी ने जो है 4 रन बनाए, जबकि मैक्स ओडाउट ने 30 रन बनाए। टीम इंडिया ने 160 रन की बड़ी जीत से जो है लीग स्टेज खत्म किया। जवाब में नीदरलैंड ने जो है टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन 250 रन पर ही पूरी की पूरी टीम सिमट गई। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान ने 1-2 नहीं बल्कि 9 गेंदबाजों को मौका दिया, जिसमें वो खुद भी शामिल थे। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी। हिटमैन ने शुभमन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी जो है निभाई। इसके अलावा उन्होंने जो है 54 गेंद पर शानदार जो है 61 रन बनाए थे। इस पारी में 2 छक्का और 8 चौका जो है उनके पारी में जो है शामिल था। बता दें कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने नीदरलैंड के खिलाफ गेंदबाजी में हाथ आजमाया। मैच खत्म होने के बाद जब कप्तान रोहित से जो है इसके बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने जो है कहा कि जब आपके पास सिर्फ 5 ही गेंदबाज होते हैं तो आप अपनी टीम के अंदर ही कुछ विकल्प तैयार करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि आज हमारे पास 9 विकल्प मौजूद थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज का वो मुकाबला था जिसमें हमने कुछ चीजों को आजमाया। नीदरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के मुख्य गेंदबाजों के अलावा कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने गेंदबाजी की थी। इन दोनों को ही जो है एक एक विकेट हासिल हुआ। विराट कोहली 3 ओवर में जो है 13 रन देकर 1 विकेट जो है लिए, जबकि वही कप्तान रोहित ने सिर्फ 5 गेंद डाली और उनको 1 विकेट हासिल हुआ। उन्होंने नीदरलैंड का आखिरी विकेट चटकाया, जिसके लिए उन्होंने कुल 7 रन जो है खर्च किए। तो फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपको सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर। क्रिकेटरों के बीच में कंट्रोवर्सी और उनके बीच इनसाइड स्टोरी पर भी रहती है हमारी नजर। क्रिकेट के इंटरव्यू से लेकर उनके पर्सनल लाइफ तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसलिए अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।